शरीर में जोड़ों का दर्द, गठिया और मांस में स्टिफनेस, पैरालिसिस, मोच आना, सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन में अकड़ाव होना, इन सब के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं पत्तों की पोटली। और वो पत्तों की पोटली से जो ट्रीटमेंट होता है हम आपको आज उसकी लाइव डेमो भी दिखाएंगे, उसके सब लाभ मैंने आपको बता ही दिए। बहुत सारे पेशेंट्स में घुटनों का दर्द बहुत कॉमन हो गया है और वो कॉमन पेन को ठीक करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज बहुत लोग करवाते हैं पर तब भी उनके पेन ठीक नहीं होते। आज आप देखिएगा कि कुछ जड़ी बूटियों के पत्ते हैं, उन पत्तों को पकाकर उनकी पोटली बनाई हमने और पोटली बनाकर उनकी हम मसाज कर रहे हैं। उसका जो असर है, पत्तों का जो असर है, वो तेल के माध्यम से वो आपके घुटने पे या आपकी गर्दन में अकड़ाहट है उस पर आपको उसका लाभ मिलने वाला है। और अभी हम पेशेंट से बाद में पूछेंगे ट्रीटमेंट के बाद कि क्या लाभ हुआ। आप ये देखिए कि ये पोटली इजीली अवेलेबल जो जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे एरंड का पत्ता, निरगुंडी का पत्ता, ये सब जो इजीली अवेलेबल हैं वो उनसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। आप देखिएगा कि अभी हम घुटने का इसको फोकस कर रहे हैं। यदि पैरालिसिस है तब ट्रीटमेंट कैसे होगा, तब ये पोटली सिर्फ ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे तो हम इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को गर्म न लगे, और पैरालिसिस तो हम क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट फिर हमारी ये मूवमेंट शुरू होती है, ऐसे करके ये मूवमेंट शुरू होती है अंदर भी बाहर भी। यदि घुटने में दर्द है तो ये करते हैं, फिर बाद में इसकी जो मसाज है वो इस तरीके से करते हैं और इधर इस तरीके से करते हैं। यदि इसको लगातार 40 मिनट्स लगातार किया जाए तो इसका पूरा पूरा लाभ घुटने के दर्द में तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन दो कि पैरालिसिस में मिलेगा। जैसे अभी ये देखा हमने कि ठंडी हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से गर्म करेंगे। इसको हम घर पे कैसे बना पाएंगे ये भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो कढ़ाई में तेल है वो मेडिकेटेड तेल है। वो तेल हो सकता है महानारायण तेल, वो तेल हो सकता है एरंड का तेल, वो धन्वंतरम तेल हो सकता है, शीर वाला तेल हो सकता है। वो तेल डॉक्टर डिसाइड करता है आपकी बीमारी के हिसाब से। और जैसे ये गर्म हो गया, जो पत्ते हैं, पत्तों का जो एसेंस है वो तेल में आता है और जब उसको रगड़ते हैं तो वो स्किन के माध्यम से, स्किन की जो सेवन लेयर्स हम मानते हैं आयुर्वेद में, उन स्किन की लेयर्स के माध्यम से वो अंदर जाना शुरू करता है। तो मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जोड़ों के दर्द में, गठिया में, और गठिया भी विशेषकर जो बहुत पुराना गठिया है जिसमें हाथ पैर टेढ़े होने शुरू होते हैं, उस स्थिति में ये बहुत कारगर साबित होता है। हम अपने आयुर्वेद गुरु में यहाँ पिछले 25 साल से इसको कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में इसका लाभ मिलता है। यदि इसको आप अपने घर पे करना चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मोच आती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये पत्ते आप लेंगे और उसको बनाएंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूँगा, निरगुंडी, एरंड, आक के पत्ते लेकर, उसमें रासना के पत्ते भी हो सकते हैं, उसके अलावा इमली का जो गिटारा होता है वो, उसके अलावा नींबू, उसके अलावा आपके पास मेथी दाना, सेंधा नमक, ये सब डाल के इनको चॉप करके अच्छे से छोटा बारीक करके फिर हम इसको क्या करते हैं, इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। जब तक जैसे साग गल जाता है, जब तक वो पत्ते अच्छे से गल जाते हैं, उनका इफेक्ट उसमें आ जाता है, तो उसके बाद हम उसकी पोटली बनाते हैं। एक बार डेमो के लिए मैं आपको उसे पोटली बना के दिखाना चाहूँगा, क्योंकि पोटली हम वैसे तो बना चुके हैं पहले। एक बार आपको पोटली बांधना कैसे जरूरी होता है वो आपको जरूर सीखना है। ये पत्ते ऐसे नहीं डालने, ये कढ़ाई में पकाने के बाद डालने हैं। अभी मैं डालूंगा तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा रुक जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि शुरू में क्या करते हैं। इसमें हमने डाल दिया लगभग आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया, इसके अलावा हमने आधा चम्मच सेंधा नमक डाल दिया और ये नींबू काट के भी इसमें डाल देंगे। इन सब पत्तों का जो असर है, इनको इतना सॉफ्ट करना है कि जब हम इसकी मसाज करें तो इसका असर जो है वो बॉडी में जाना शुरू हो। ये चरक संहिता में वर्णित पंचकर्म की बहुत कारगर विधि है। बहुत सहज भाव से आप घर पे इसको कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है इसको बनाना। मात्र 15 मिनट में ये सारा मटेरियल हमारा
तैयार हो जाता है। हम जब बना ही रहे हैं तो फिर पूरा ही कर लेते हैं काम। क्योंकि पूरा करने में 10 मिनट लगेंगे। हम एक आपको डेमो दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब ये पक गया तो हमने क्या किया, इसको डालो बेटा इसमें। जब आप इसको घर पे बनाएंगे तो आपको यदि सारे पत्ते ना मिलें तो एरंड का पत्ता बहुत आसानी से मिलता है, जिसका ऐसे उसको पंचांगुल बोलते हैं, ऐसे हाथ जैसा पत्ता होता है। और आग का पत्ता मिल जाए, आकी जिसको बोलते हैं, वो बहुत कॉमनली मिलता है आसपास जंगल में, उसको तोड़ लाएं, उसके बाद नींबू डाल दें, सेंधा नमक डाल दें, मेथी दाना डाल दें, इमली मिले तो वो डाल दें, तेल हमने पहले डाला था, तिल का तेल डाल लें आप घर पर, मेडिकेटेड ऑयल नहीं है तो तिल का तेल आप डाल लें, तो उससे ये पोटली, देखिए प्रदीप जी आपको बता रहे हैं कि पोटली कैसे बनेगी। आप इसको प्लास्टिक की रस्सी से बांध सकते हैं या कपड़े की डोर से बांध सकते हैं, जो आपके पास है उससे आप इसको बांध सकते हैं। चलिए, जब तक ये पोटली हमारी बन रही है, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि इसका जो लाभ है वो इतना अच्छा लाभ है कि आप घर पे ही इसका ट्रीटमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें गठिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गठिया, जोड़ों का दर्द, मसल में स्टिफनेस, गर्दन में कोई अकड़ाहट है, उसके अलावा पैरालिसिस हो गया है, या कभी कभी हमको पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में क्या लगता है कि मेरी नसें सुन हो रही हैं, टांग की नसें सुन हो रही हैं, तो आप ये पोटली बना के यदि रीढ़ की हड्डी में इसकी मसाज कर देंगे तो ये बहुत कारगर और तुरंत लाभकारी ये चिकित्सा है आयुर्वेद की। मैं डॉक्टर मनोज विमानी आप सबके साथ आज इस विषय पर साझा रहा, और आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना लोगों के साथ आप शेयर करेंगे